सभी लोगों को नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एच मुनरो का द मिराकल ऑफ मर्चेंट। यह एक नाटक है। एच मुनरो का पेन नेम यानी झूठा नेम साकी था। इनकी रचनाएं साकी नाम से पब्लिश हुआ करती थी। इनका जन्म 18 दिसंबर 1870 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1916 में हुई थी। कुछ लोगों का मानना है कि ये 1914 से लेकर 1919 तक एक युद्ध में जीवित रहे और लड़े, वहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों, इस कहानी की नाटक की समरी एक व्यवसिल और जैन डोरा और लुइस के बीच में है। कैसे व्यवसिल के मकान में जैन नाम की लड़की रह रही है, कैसे उसे मकान से खाली करवाती है लुइस के द्वारा, सुनते हैं इसकी कहानी। नाटक के शुरू में व्यवसिल अपने ग्रामीण घर पर बैठी हुई है। नाश्ता करने के पश्चात वह अपने लेखन का कार्य मेज पर बैठकर कर रही है। वह कुछ युवा लड़कियों को अपने घर पर ठहराती रहती थी। पहले से ही एक लड़की जैन मार्लेट उसके यहाँ पर रह रही है। वह एक पखवाड़े यानी कुछ महीनों के लिए ठहरना चाहती है तथा उसे ठहरे हुए लगभग एक सप्ताह हो चुका है। इसी समय एक अन्य लड़की डोरा वहाँ आकर ठहरना चाहती है। डोरा तथा जैन में भयंकर लड़ाई है। वे एक दूसरे को भी देखना नहीं चाहती। उनका झगड़ा एक मुर्गी को लेकर था जिसे जैन ने डोरा को बेचा था। वह अंडे देने में असफल रही थी। ऐसी स्थिति में विवशिल जैन से पीछा छुड़ाना चाहती थी, पर वह सोच नहीं पाती तथा इस बात से अत्यधिक चिंतित है कि कहीं अब वो दोनों यहाँ पर आकर रहने लगें तो दोनों में दोबारा से लड़ाई ना हो जाए। इसी समय लुई उसके पास आता है। लुई व्यवसिल जी का भतीजा है जिसे हमेशा धन की चाह रहती है। वह 20 पौंड मांगने आया है जिसे चाची व्यवसिल देना नहीं चाहती। चाची डोरा के आने के कारण जैन को भगाना चाहती है। यह व्यथा वह लुई को सुनाती है। लुई उन्हें एक मुसीबत से छुटकारा दिलाने को कहता है। यदि उसको यह 20 पौंड मिल जाए तो जैन को उस मकान से अवश्य भगा देगा। चाची इस बात पर राजी हो जाती है। लुई एक योजना बनाता है। वह जैन को नौकर स्टोरेज के विषय में बतलाता है। वह कहता है कि जो आपके यहाँ स्टोरेज नौकर है जैन, वो बहुत ही पागल किस्म का है और वह भूत जैसा है। वह किसी की हत्या भी कर सकता है। उसी समय वह जैन के कमरे में और वह पहले भी यहाँ पर आई हुई लड़कियों के साथ ऐसी हरकत कर चुका है जिससे आए हुए काफी लोग मकान छोड़कर भागना पड़ा। जब जैन कुछ पत्र लिखने के लिए एक दूसरे कमरे में गई, उसी समय लुई स्टोरेज को एक नंगी तलवार लेकर जैन के कमरे में भेजता है। नौकर चूंकि चाल से अनभिज्ञ था, अतः उसने वैसा ही किया। उससे जैन डर गई और मकान छोड़कर भाग गई। यह चमत्कार लुई ने कर दिखाया। जब वह अपनी चाची के पास धन लेने के लिए पहुंचा तो उसने बतलाया कि डोरा अब इस मकान में नहीं आएगी। इस प्रकार लुई मूर्ख बन जाता है और व्यवसिल चाची उसे 20 पौंड नहीं देती हैं। इस प्रकार लुई की चाल बेकार चली जाती है। धन्यवाद।